आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। करेंगे सर, आज आपने जो घोषणा की है अहमद भाई को जिस तरह से पूर्व से लड़ाने के लिए, जिस तरह से आज इस मंच से राष्ट्रवादी के मंच से घोषणा की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भिवंडी की मैं जनता से मिला काफ़ी बार, यहाँ के आमदार से लोग परेशान हो चुके हैं और उनके लोग तो उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन आम जनता जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो भी परेशान है। और उनके लोगों का कहना ये है कि हमको ऐसा आमदार चाहिए जो 24 घंटा भिवंडी शहर में रहे, जब जाकर उनसे मुलाकात कर सके। हफ्ते में 2 दिन आने वाला आमदार नहीं चाहिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भिवंडी का कोई ना कोई आमदार बने और हम खुद अपनी पार्टी का डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी को ये सीट मिले, क्योंकि तो महाविकास आघाड़ी के तो जब सीट का बंटवारा होगा तो राष्ट्रवादी के लिए हम इस सीट की मांगनी करेंगे। तो हम चाहेंगे, हमारे पास जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अहमद सिद्दीकी साहब जो डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं, तीन नगर सेवक भी रह चुके हैं, आज जनता ईस्ट में उनकी पकड़ अच्छी है, उनके समाज के लोग हैं, उनके गांव घर के लोग हैं, एक चेहरा अच्छा है। तो एक मैं अपने तरफ से प्रस्ताव रखूंगा कि अहमद सिद्दीकी साहब को टिकट दिया जाए, हमारे हाईकमांड शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र अवार साहब के सामने। और इंशाल्लाह, और मैं ही नहीं तो राष्ट्रवादी पार्टी की मुझे उम्मीद है कि इनको कैंडिडेट पसंद आएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अभी तक तो मन नहीं था, लेकिन आज जब सोहेब भाई ने कहा, सोहेब भाई मेरे बड़े भाई हैं और मेरे मतलूब भाई, हलीम भाई, ऐसे मेरा पूरा सर्कल है, और इंशाल्लाह सबसे बैठ के मीटिंग भी लेंगे और हम लोग राय बना के लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, एक सवाल ऐसा है कि जिस तरह से अभी जो करंट में जो एमएलए हैं उनका जो काम चल रहा है, और जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी ने आरोप का जो निशाना, जो आरोप लगाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर राष्ट्रवादी को आना चाहिए सत्ते में, इसके लिए आप खड़े हो रहे हैं? राष्ट्रवादी को सत्ते में आना चाहिए, इसके लिए हम खड़े हो रहे हैं। और जो आज जो घोषणा हुई है, शोएब गुड्डू साहब ने इस तरह से मंच से घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि पार्टी को मैं पार्टी के पास प्रस्ताव रखूंगा, उससे पहले भी आपकी कई बार चर्चा हुई कि एमएलए के लिए आपका नाम आया चर्चा में भिवंडी शहर में कई जगह पे, तो उसके बारे में क्या कहना है? इसके पहले तो कई चर्चा नहीं सुना मैंने, आप जो सुने होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन ये सही है कि हमारी शोएब भाई और हमारे ग्रुप की कई बार में लोगों ने मुझसे कहा तुमको लड़ना चाहिए, तो आज जब सोहेब भाई ने मन से ऐलान कर ही दिया है तो इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपने मन बना लिया पूरी तरह से? जनता के सामने बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे अध्यक्ष ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे जितने नगर सेवक सब ने भरोसा किया, और अल्लाह करम है कि मैं भिवंडी में कोई नाम का मोहताज नहीं हूँ, और हर जगह, हर गली, हर किचन में मेरे लोग हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह सब मेरा काम करेंगे और मुझे जिता के। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे एसटीएस न्यूज़ के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।